Hello everyone, so today we are going to start our next chapter, that is chapter number 5, accounting ratio, and is also known as the ratio analysis. And in this chapter we will discuss about the meaning of the ratio analysis and the four ways in which it can be expressed and the difference between the cross sectional analysis and the time series analysis and the benchmarks of the ratio analysis. These four topics we are going to cover in this lecture. So let's just start with the meaning of the ratio analysis. Ratio analysis, it is a technique which involves the regrouping of the data by application of the arithmetical relationship, and it is the most important and the powerful tool for measuring the performance of a business enterprise. अब क्या है कि अकाउंटिंग रेशियो की हेल्प से आप क्या करते हैं, आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि दो फिगर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का रिलेशनशिप है, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द अर्थमेटिकल टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशियोज बोलते हैं. अब ये क्या है, ये इट इज़ द हेल्पफुल टूल. ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें क्या करता है, हेल्प करता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की दूसरे बिजनेस एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है या गुड है. ये जानने के लिए आप क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस की हेल्प लेते हैं. सो आई एम हेयर टेकिंग वन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर टू यू पीपल. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए earns the profit of rupees 1,50,000 and capital is 10 lakh, and Mr. B handling the same business as Mr. A earns the profit of rupees 1,80,000 and the capital of the firm is 15 lakh. अब अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट टर्म्स जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाई जाती हैं, उसके अंदर क्या है, मिस्टर ए जो है उनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,50,000, और मिस्टर बी जो है उनका प्रॉफिट क्या है, 1,80,000. तो हम ये बोलकर चलेंगे कि मिस्टर बी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मिस्टर ए. बट अकॉर्डिंग टू द रेशियो एनालिसिस विल चेक हुज परसेंटेज इज ग्रेटर. Mr. A earns the profit of 1,50,000 and with the capital 10 lakh rupees in 200 for the percentage. Mr. B earns the profit of 1,80,000 divided by 15 lakh as a capital in 200. 100 is for the percentage. अब Mr. A का जो percentage calculate करेंगे हम, वो कितना आएगा आपका, 15%, एंड मिस्टर बी का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 12%. सो रेशियो एनालिसिस हेल्प अस टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म विद द अदर फर्म. इज दैट यू आर गेनिंग और यू आर लूजिंग, आपको ये परफॉर्मेंस चेक करने में हेल्प करता है. एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फोर वेज. अब वो चार वेज कौन से हैं, फर्स्ट इज प्रोपोर्शन, सेकेंड इज रेट, थर्ड इज परसेंटेज एंड द फोर्थ वन इज फ्रैक्शन. प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय द अनदर नंबर. फॉर एग्जांपल, अब एक फर्म की जो करंट एसेट है वो कितनी है, 2 लाख की है, और उसी फर्म की जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो कितने की हैं, 1 लाख की हैं. अब अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज. 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल्स टू में 2/1, तो इसका जो प्रोपोर्शनेट आएगा वो कितना आएगा, 2:1. जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 2:1, एंड इज ऑल्सो नॉन एज द प्योर रेशियो, जिसको हम प्योर रेशियो बोलते हैं, एंड सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो भी हम इसे बोलते हैं. उसके बाद बात करते हैं सेकंड वे की, जो कि क्या है, रेट और सो मैनी टाइम्स.
जिसको हम सो मेनी टाइम्स भी बोलते हैं, कैसे? इट इज कैलकुलेटेड हाउ मेनी टाइम अ फिगर इज इन कंपैरिजन विद द अनदर फिगर. ये हमें ये बताता है कि एक फिगर दूसरी फिगर के मुकाबले कितने टाइम ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज ₹2 लाख एंड द ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000. आपका जो सेल आपने क्रेडिट पे किया था वो 2 लाख का था, आपको जो ट्रेड रिसीव हुआ इन दैट ईयर, इन दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट इज ओनली 40,000 रुपीज. तो इसका जो टर्न ओवर रेशियो जो आएगा वो कैसे आएगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल, जितना आपको रिसीव हुआ. इट मीन्स जो ट्रेड रिसीवेबल है आपका वो क्रेडिट सेल के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स आपको मिल रहा है, विच मीन्स द क्रेडिट सेल इज 5 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द ट्रेड रिसीवेबल. जो आपका क्रेडिट सेल है वो 5 टाइम है कितने, किससे, ट्रेड रिसीवेबल से. एंड नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट इट इन टू द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर इज एक्सप्रेस्ड इन द 100th. जब आप उसको 100th की पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसकी क्या करते हैं, उन फिगर्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं. इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिए. फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज 10 लाख एंड द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि कैपिटल जो है वो 10 लाख की है और प्रॉफिट जो फॉर्म अर्न कर रही है वो कितना कर रही है, 2 लाख का अर्न कर रही है. तो अगर हमें प्रॉफिट टू कैपिटल का परसेंटेज निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल. प्रॉफिट इज 2 लाख एंड द कैपिटल इज 10 लाख इन टू 100, तो 20% इज द प्रॉफिट. अब फ्रैक्शन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन में किस तरह से आते हैं हमारे जो वैल्यूज होती हैं वो किस तरह से फ्रैक्शन में कैलकुलेट होती हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर्स इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द अबव एग्जाम्पल. मतलब कि एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, जो प्रॉफिट था आपका, वही वाला सेम एग्जाम्पल लेते हैं. हाँ, प्रॉफिट था आपका 2 लाख का, कैपिटल थी आपकी 10 लाख की. तो अगर हम फ्रैक्शन में इसको देखें तो 1/5 है आपका प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ द कैपिटल. तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1/5 है किसके, कैपिटल के. तो इस तरह से इन डिफरेंट वेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन 4 different ways. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस इन द क्रॉस सेक्शनल एंड द टाइम सीरीज एनालिसिस. तो क्रॉस सेक्शनल रेशियो हमारा क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ द फर्म्स रेशियो विद द अदर फर्म. क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी फर्म के जो रेशियोज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, अपनी सेम इंडस्ट्रीज की फर्म के साथ हम उसकी कंपैरिजन करते हैं कि किसका रेशियो जो है वो ज़्यादा है और किसका रेशियो कम है. ये हमें हेल्पफुल इट इज़ हेल्पफुल इन द असेसिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म. ये हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन को जानने में बहुत ज़्यादा सहायक है. एंड हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हेल्प इन टेकिंग द इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन. अब ये क्या होता है, ये हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारे कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम राइज अप हो रही है वो किस लिए हो रही है, और अगर कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम राइज हो भी रही है तो उसका कोई करेक्टिव मेजर्स जो होगा वो किस तरह से हम निकालेंगे, सो दैट कि हम उसको क्या कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं. फर्म कैन इजिली रिस्टोर टू क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्योंकि सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली जज कर सकते हैं. हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो सिमिलर फर्म है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है. तो ये जानने में भी हमें ये हेल्प करता है क्रॉस सेक्शनल रेशियो. ये हमें हेल्प करता है कि हमारी जैसी सेम फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरह की है. Now, what is time series analysis? Time series analysis is the way to compare the firm's present ratio with the past ratio. Time series analysis में हम क्या करते हैं, हम एक firm के साथ दूसरी firm का comparison नहीं करते. यहाँ पर हम अपनी ही firm का comparison, जो कि हमारी firm की present ratio है, उसको हम क्या कर सकते हैं, compare करते हैं हमारी past ratio के साथ. हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम present में कितना हमने क्या किया है, उसको develop किया है. Help to know the developing trends and reflect the performance of the firm. ये आपके developing trend को देखने में help करता है कि आप अब develop कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानने में आपको help करता है. And requires the similar data quality over a period of time. But लेकिन इस analysis के अंदर आपका जो data होना चाहिए वो बिल्कुल एक similar data होना चाहिए, ताकि आप उसको easily क्या कर सकते हैं, present को past से और past को present से क्या कर सकते हैं, compare कर सकते हैं.
ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बेंचमार्क्स. अब बेंचमार्क्स के अंदर क्या है कि आप क्या करते हैं, आप एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए, रेशियोज को कंपेयर करने के लिए आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं. वो बेंचमार्क्स कैसे हो सकते हैं, आपके पास्ट रेशियो हो सकता है, आपका रेशियो ऑफ द सिमिलर फर्म ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज और द रूल्स ऑफ द थंब. फर्स्ट जो है आपका पास्ट रेशियो, जो कि आप क्या करते हैं अपने टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर उसको यूज करते हैं. आप क्या करते हैं अपने प्रेजेंट डेटा को पास्ट डेटा के साथ उसको कंपेयर करते हैं, सो दैट कि आप ये पता लगा सकें कि आपकी कंपनी के अंदर कितना सुधार आया है. रेशियो ऑफ द सिमिलर फर्म ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज, इसके अंदर हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं और उसके डेटा को कंपेयर करते हैं कि कौन सी फर्म जो है वो अच्छा काम कर रही है. रूल ऑफ थंब के अंदर क्या होता है, द रूल ऑफ थंब फॉर द करंट रेशियो इज 2:1. अब आपको पता है कि करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है. हमारी हाँ, अगर हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो है वो 2:1 है, जिसके अंदर हम ये बोलकर चलते हैं कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज़ की. तो उसके लिए हमारा एक रूल ऑफ थंब बन गया, मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि करंट रेशियो, अगर फर्म को करंट रेशियो चाहिए तो उसके लिए उसका वो करंट एसेट्स 2:1, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो है हमारी 2:1 में ही होनी चाहिए. अगर वो 2:1 में है तो हमारा करंट रेशियो क्या है, हेल्दी है, अच्छा है. अगर वो 2:1 में नहीं है तो वो क्या है, हमारी अनहेल्दी पोजीशन को शो करता है. तो ये रूल ऑफ थम्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. थैंक यू सो मच.